हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लौकी का कोफ्ता बनाने चल रहे हैं। ये हमने लौकी लिया है, इसको छील रहे हैं। छील लेते हैं, उसके बाद हम घिसेंगे इसको कद्दूकस में। हम लौकी को कद्दूकस में घिस रहे हैं। लौकी को इस तरह से हम पूरा घिस लेते हैं। ये लौकी हमारी कद्दूकस हो गई है। इसको हम पानी इसमें से निचोड़ देते हैं, हल्का सा धुल के तब पानी पूरा गार देते हैं। तो इसमें हम बेसन मिलाएंगे, इसको हम डालेंगे रेसिपी में। ये प्याज है हमारा, ये लहसुन अदरक है, ये लहसुन दो मिर्च लिए हैं क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। ये हमने लौकी को कद्दूकस के धुल के पानी इसका निकाल लिया है। अब इसमें हम बेसन मिला रहे हैं, लगभग इतना मिला रहे हैं, एक कटोरी, थोड़ा कम, थोड़ा सा अजवाइन मिला रहे हैं इसमें। ये हमारा हरा धनिया है, इसमें हम लहसुन मिर्चे का एक चम्मच पेस्ट मिला रहे हैं, लहसुन अदरक का। हल्दी पाउडर थोड़ा सा, हल्का सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक हल्का मिलाएंगे क्योंकि अभी इसके जब हम मसाला तैयार करके पानी डालेंगे तो उसमें और हमको नमक डालना है। तो अभी हम इसको रेडी कर लिए हैं, इसको हम छानेंगे। इस तरह से हम कोफ्ते को तेल में डाल के फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा हम चपटा ही बना रहे हैं इसको, गोला भी आप बना सकते हैं। इसको हम पूरा फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा कोफ्ता पक रहा गया है, इसको हम अभी निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम बनाएंगे जो रखे हैं। ये हमारा कोफ्ता बन के इस तरह रेडी हो गया है। अब हम इसको बनाएंगे। हमने कढ़ाई रखी है, तेल गरम हो गया है, उसमें हम ये जीरा डाल रहे हैं एक चम्मच। ये हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हम डाल कर रहे हैं। चलो, ये हम अदरक लहसुन और मिर्चा प्याज जो है पीस लिए थे, पेस्ट बना लिए हैं इसका। इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा डाल रहे हैं और हल्दी छोटा चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसको हम मिलाएंगे। मिर्चा हमने पीसा हुआ है, मिर्चा हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता है, पाउडर डाल देते हैं। मिर्चा हम पहले से पीसे हुए हैं, इसमें हम डालेंगे इसको। इस तरीके से हम इसमें इसको हम अच्छे से मसाला को भून देंगे। इसमें हम टमाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है रेस्टोरेंट में, तो आप टमाटर भी दो तीन यूज कर सकते हैं पीस के। और इसको अच्छी तरीके से हम भून देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से, ये देखिए पक गया हमारा मसाला। इसमें हम पानी डालेंगे, कोफ्ते को हम बाद में डालेंगे क्योंकि पानी बहुत सोखता है, बेसन का है, तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये हमने इसमें मसाला पेस्ट बनाया था तो इसमें पानी करके डाल रहे हैं। पानी भी मार डालेंगे,
हम देखिए इस तरीके से पानी डाले हैं, पतला किए हैं क्योंकि अभी इसको डालेंगे तो सूखेगा। इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम कोफ्ते में भी हल्का सा डाले हैं तो इसमें भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीडियम डालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए इसको पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट तक पके उबाल आ जाए तो इसमें हम सब डालेंगे कोफ्ते को। ये हम देखिए तेज गैस पे इसको पका लिए हैं, लगभग 5 मिनट पक गए, खूब इसमें उबाल आ रहा है। ये देखिए अब इसको हम डालेंगे कोफ्ते को। अब इसको सिर्फ हम 2 ही मिनट पकाएंगे क्योंकि मसाला हमारा पहले से पका हुआ था। इसको 2 मिनट तक अभी हम और पकाएंगे, उसके बाद हम हल। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कोफ्ता बन के रेडी है। इसमें हम धनिया लगा दे रहे हैं। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा तरीका पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।